आलू किया ये जिनजिन इज़ योर कैफ़े नेक्स्ट डोर जहाँ पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके चिल कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, सब मौज मस्ती कर सकते हैं। नाम काफी यूनिक है, अगर कुछ अगर कॉन्सेप्ट बताना चाहोगे? बस अच्छा लग रहा, साउंड करने में अच्छा लग रहा था। तो ऐसे तो जापानीज वर्ड है। नर्वस कर रहे हो, वो क्यूट इतने क्यूट तरीके से बता रहे हो। साउंड अच्छा लग रहा। अरे यार बहुत सारे नाम आए थे,
बहुत सारे नाम, उनमें से जो चाहिए थे हमें, कुछ कॉपीराइट थे और फिर कुछ नामों के लिए हम लड़ रहे थे. बहुत नाम आ रहे थे, बहुत सबसे क्यूट साउंड कर रहा था. मैंने कहा इंजन मैं लड़ गया. फिर मैंने कहा इंजन होगा. और जापानीज में मतलब भी बहुत अच्छा होता है इसका, आप गूगल करिएगा. मतलब बता दीजिए जनता करेगी गूगल. नहीं उसके बाद और उनको वो पजल सॉल्व करना पड़ेगा कि जिंजिन का मतलब क्या है. इनके कमेंट्स में आगे ताकि आपका भी ट्रैक्शन बढ़ा रहा हूं मैं. नहीं, फिर भी मतलब जानना चाहूंगा थोड़ा सा. मतलब तो मैंने बता रहा जापानीज वर्ड है. आप ही गूगल करेंगे. जसलीन, टेल अस समथिंग अबाउट दिस प्लेस. कैसा लग रहा है ये प्लेस? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. और बहुत ही शुभ दिन है आज. क्रिसमस भी है और क्रिसमस के दिन यहाँ पे इनका लॉन्च हुआ है जिंजिन कैफ़े. द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट लुक्स नाइस. और यू नो यू गेट टू सी, बाहर एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर लोग आकर लाउड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं. प्लस बाहर है. नहीं सॉरी, नहीं 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 सॉरी, वंस अगेन ये कट कर देना. नहीं, अंदर की तरफ एक सेक्शन बना है जहाँ लोग बहुत चिल कर सकते हैं, लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं और बाहर भी लोग चिल कर सकते हैं, हुक्का पीना और सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन हर्बल है. हाँ, हर्बल है, जो भी है, समझ जाओ आप. सबसे खास बात क्या है जगह की, अगर कुछ बताना चाहो? बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, मुझे वाइब बहुत पसंद आया और आते अंदर एंटर करते ही मुझे बहुत खूबसूरत सा लगा. I think girls would wanna click good pictures over here. हाँ, बहुत सारी रील्स बनेंगी. मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने वहाँ पर आते ही बता दिया कि मैं आने के बाद यहाँ पे रील्स एंड ऑल भी बनाऊंगी. एक दर्शकों को बता दीजिए सबसे नियरेस्ट जगह कौन सी है, so that they can come to this place. डी एन नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही आपको सीढ़ी डी एन नगर की उतरनी है और जिंजिन की सीढ़ी चढ़नी है. ओके, तो क्या कुछ वर्क फ्रंट की अगर बात करूँ, क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, किस तरह के गाने आने वाले हैं आपकी तरफ से? आई एम वर्किंग ऑन माई म्यूजिक नाउ. कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी ये मेंशन कर चुकी हूँ और हम उस पर काम कर रहे हैं. दोबारा आप देखेंगे कुछ बहुत ही धमाकेदार एक और गाना देखेंगे. बिग बॉस तो फॉलो कर रहे हैं? यार बिग बॉस मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, बिकॉज अभी सीजन है भाई, हम शोज करते हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ. थोड़ा बहुत जितनी नॉलेज है मुझे, अभी कोई एविक्ट हुआ है, कौन एविक्ट हुआ है वो नहीं पता. हाँ, अच्छी थी यार वो, पता नहीं क्यों एविक्ट हो गई, बट बिग बॉस का घर ऐसा ही है. आप देख रहे हो मुनावर, थोड़े बहुत अपडेट्स आ रहे हैं. मुनावर का कुछ हो रहा है, बहुत तगड़ा है ना, कुछ तो झोल हो गया है ना. सबका उठाता हूँ, मैं कभी मेरा माय फोन नंबर गोज अनआंसर्ड, तो लोग फोन करके बिग बॉस जा रहा है. डोंट वरी, बिग बॉस का एक और चीज ये है कि जितने कारनामे आप अंदर देखोगे वो बाहर आने के बाद सब एकदम क्लियर हो जाता है. कोई यादें ताज़ा हो रही है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती. देखो मेरा तो नहीं हो पाया. लेकिन हो जाता है, जितनी बातें आप सुनोगे अंदर, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसकी नेचर ऐसी, बाद में पता नहीं सब एकदम नॉर्मल हो जाता है, अपनी अपनी जिंदगी में सब बिजी हो जाते हैं. तो ठीक है, आप एंटरटेन होते रहो और क्या. आपकी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट अपकमिंग? आई एम डूइंग अ वेब सीरीज. किस प्लेटफॉर्म पे लेकर मैं बता नहीं सकता. किस तरह की है? अगर इट्स थ्रिलर बोल सकते हो. एनी मूवी? मूवी गुजराती डेब्यू हो रहा है नेक्स्ट ईयर. शूट कर चुके हम लोग, लंदन में शूट किया हमने फिल्म को और नेक्स्ट ईयर फिल्म आ रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.